वट सावित्री एक ऐसा पर्व है जिसमें सुहागिन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए वर पेड़ की पूजा करती है। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष हमारे साथ हैं। मैंने वट के वृक्ष के तले में सावित्री का प्रतिमा बना करके सावित्री का पूजन करने का विधान है और वहाँ सावित्री को नाना प्रकार से नैवेद्य इत्यादि देकर उसमें खास करके चना जो है अंकुरित चना का विशेष महत्व है और शक्कर गुड़ का ये नैवेद्य में प्रशस्त माना गया है। बट सावित्री इस बार 19 मई को मनाया जाएगा। उस दिन से 2 दिन पहले अर्थात 17 तारीख को ही स्नान वगैरह करके शुद्ध हो जाएंगी और एक भुक्त करेंगी और दूसरे दिन जो है सो भोजन फलाहार वगैरह भोजन करेगी और तीसरे रोज त्रिरात्रि माना गया है इसको। तीसरे रोज बटमूल के नज़दीक जाकर सावित्री का प्रतिमा का निर्माण करके वहाँ पूजन आदि किया जाता है। खास करके मिथिलांचल में जितने भी नवविवाहिता महिलाएं होती हैं वो बटमूल के नज़दीक जा कर के अपने वर स्वरूप में बट वृक्ष को मानकर उनका पूजन करते हैं और उनको जो है सो नाना प्रकार का मिष्ठान आदि से क्या कहते नैवेद्य देकर अर्पण करते हैं और उस दिन बट का पत्र जो है उसे वैसे शास्त्र में विधान है जो उसका जो टुस्सी होता है उसका भक्षण का भी विशेष महत्व है। पत्र जो है तो माथ पर रखती हैं और आशीर्वाद स्वरूप में और औरत लोग आती हैं फिर अपने स्वामी का जो है तो पद प्रक्षालन करते हैं। उनसे वृक्ष जिसे बांस कहते हैं उससे निर्मित बियन कहते हैं मैथिली भाषा में उससे उनको हवा प्रदान किया जाता है और अपने पति का पूजन करके पति से सुहागवती का आशीर्वाद लेते हैं। व्रत सावित्री जो व्रत है उसमें खास तौर पर देखा गया है कि मिथिलांचल में जो नव विवाहिता जोड़े हैं वो वट पेड़ के नीचे जो वट वृक्ष होते हैं उनके नीचे में सावित्री की प्रतिमा बना करके पूजा अर्चना करती है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से अभिनव कुमार।